आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच। एक तरफ एनआरसी और सीएए को लेकर के बीजेपी की समर्थन रैली और दूसरी ओर झारखंड चुनाव के नतीजे को लेकर कुछ लोगों का बयान और बीजेपी के देश रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म महोत्सव, ऐसे में लोगों का तरह तरह से कहना। आइए जानते हैं कि लोगों ने इस पर क्या क्या कहा। राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां कुछ दिन पहले से आगजनी और लोग जो है रोड और सड़क को गलियों में जाकर के लोगों को परेशान किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया, आज वहीं पे बीजेपी ने अपने समर्थन रैली स्थापित की एनआरसी और सीएए को लेकर के। तो हर जगह ये रैलियां जो है समर्थन में निकल रही हैं। ऐसे में झारखंड में भी ये आयोजन किया गया, जिसमें कि काफी संख्या में बीजेपी के समर्थक रैली में शामिल हुए और एनआरसी सीएए का समर्थन किया। और ऐसे में हमारे बिहार के पटना के नजदीक यानी कि पटना ग्रामीण क्षेत्र से बीजेपी महामंत्री जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जानते हैं कि वहां की स्थिति क्या है और समर्थन में क्यों होना चाहिए। जी जी बताएं। जी जी धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले तो मैं प्रीति पटना जिला ग्रामीण के महामंत्री धन्यवाद करती हूँ और एनआरसी और सीए का पुरजोर समर्थन करती हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं सभी मुस्लिम भाइयों को बता दूँ कि सीए और एनआरसी में भारतीय मुसलमानों के लिए कोई भी नकारात्मक बातें नहीं है। ये संशोधन बिल किसी भी तरह से भारतीय मुसलमानों को प्रभावित नहीं करती है। ये विपक्षी दल जो मुस्लिम भाइयों को बरगला रहे हैं, इनके बीच में ये बिल को लेकर जो भी भ्रम और अफवाहें फैलाकर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सत्ता आसीन होने के लिए मुस्लिम भाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात मुस्लिम भाइयों को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि वो किसी के बहकावे में या अफवाह में ना आए। और पटना में भी यही स्थिति है कि मैं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में रहती हूँ और मैंने इन लोगों का राय भी लिया है और इनको जाजा के बताती हूँ कि देखिए इसमें आपके खिलाफ में भारतीय मुस्लिमों भाइयों के खिलाफ में कोई भी नकारात्मक बातें नहीं है। प्रीति जी आज 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 जो है आज लोगों से आपने संपर्क किया इस संबंध में? जी बिल्कुल, मैं बादल कह रही हूँ, मैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे 3 मस्जिदें हैं और 80% आबादी जो है यहाँ पे मुस्लिम है और कुछ ही परिवार जो है वो हिंदू और अन्य धर्म के हैं। और मैं लगातार इनसे इस बिल पे बातें करती हूँ और उन लोगों का समर्थन भी मुझे प्राप्त हुआ है अभी तक। जी तो नहीं, जहाँ तक कि कांग्रेस जो है या अन्य पार्टियां जो है उंगली उठाने की का काम किया है और इसका विरोध किया है, ऐसे में जो रैलियां हो रही हैं बीजेपी के समर्थन में जो हो रही हैं, तो ये आखिर क्यों दोनों पार्टियां जो है ये समर्थन कर रही हैं वो विरोध कर रही हैं? देखिए ये तो होना है, 2020 का चुनाव भी नजदीक है, बिहार में भी चुनाव काफी नजदीक है, तो उन्हें मुद्दा चाहिए और मुस्लिम वोट का इस्तेमाल करने के लिए ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं ताकि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो। और ये वोट बैंक तो पहले से ही निकलने की स्थिति में और इन्हें एक मुद्दा भी मिल गया है कि चलो इस मुद्दे को इस्तेमाल किया जाए चुनाव के लिए। अच्छा, तो आप बिहार वासियों को या फिर कहा जाए मुस्लिम समुदाय के लिए दो शब्द आप बोलिए। जी मैं सभी भारतीय मुस्लिम भाइयों से ये आग्रह करूंगी कि सबसे पहले वो सीए और एनआरसी बिल को अच्छी तरह समझे, इसमें कहीं भी आपके लिए खराब नकारात्मक बातें नहीं है। ये अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए मुस्लिम भारतीयों के लिए है जिन्हें नागरिकता नहीं देने की बात की जा रही है, ना कि भारतीयों के लिए, भारतीय मुस्लिमों के लिए। वो आज भी हमारे भाई हैं, कल भी थे और 70 सालों से जो 80% हिंदू हैं इन मुस्लिम भाइयों को संभाल के रखे हैं और आज भी हम एक हैं और एक रहेंगे। जी जी हाँ, आज 25 दिसंबर है और हमारे भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और मैं पटना ग्रामीण की तरफ से समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इस जयंती के लिए और सशक्त नमन है ऐसे विशालकाय व्यक्तित्व के स्वामी और अच्छे प्रवक्ता और कुशल नेतृत्व के प्रधानमंत्री जी को के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सरकार जो बन रही है अब ये कितने दिन चलेगी ये सबसे बड़ी बात है।
क्योंकि अनगिनत विचारधारा के लोग इसमें मिलकर एक साथ अपने स्वार्थ में सरकार बनाने की तैयारी में है। इस पर तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये सरकार कितने दिन चल सकती है। क्या ऐसा पोजीशन आया था कि भाजपा को ये पार्टी सीट गंवानी पड़ी? ये बहुत बड़ी बात, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं हमेशा कहते रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक ऐसी पार्टी है जिसे उसके नेता और कार्यकर्ता ही हरा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे से हारने वाली पार्टी नहीं है। चूंकि बिहार में, झारखंड में एक सीट जो जमशेदपुर सीट थी, जहां से रघुवर दास जी चुनाव लड़ते थे, छठी बार लगातार जीते थे, वहां से सरजू राय जी का चुनाव लड़ना निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरयू राय जी का टिकट काटना, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में बहुत भारी पड़ी। सरयू राय जी के चुनाव क्षेत्र में मुझे जो जानकारी है, अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत सारे संगठन के कार्यकर्ता, जो हमारे विचारधारा के संगठन है, उसके कार्यकर्ता लगे हुए थे, सरयू राय के पक्ष में लगे हुए थे। तो मेरा ये मानना है कि एक ईमानदार राजनेता की बात पार्टी को जरूर सोचनी चाहिए और पार्टी को अब समय आ गया है मंथन करने का कि जो जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता कार्य कर रहा है उसकी बात को तरजीह दी जाए, ना कि चमचों की, जो दिन रात पार्टी कार्यालय में बैठे रहते हैं और नेताओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं। यहाँ से लेके पटना, रांची और दिल्ली तक जो दिन रात कार्यालय में बैठकर और सिर्फ नेताओं की चापलूसी में लगे रहते हैं, वैसे लोगों की बात ना सुन करके केंद्रीय नेतृत्व अब सिर्फ जमीनी कार्यकर्ताओं की बात सुने, और मेरा मानना है कि फिर हमारा अच्छा दिन वापस आ जाएगा और मैं फिर उसी तरह से हम लोग सभी राज्यों में जीत का प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। क्या आपका नाम है सर? गोपाल सिंह। वहीं दूसरी ओर मनेर मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने धूमधाम और उत्साहित होकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ अटल जी का जन्म महोत्सव भी मनाया। जन्म दिवस के अवसर पर अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित हमारे ग्रामीण भाजपा के बड़े भाई प्रदीप गुप्ता जी, नगर जिला पंचायत के सभी ग्रामवासी, नगर पंचायत के सभी ग्रामवासी एवं ग्रामीण पंचायत के सभी ग्रामवासी से मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई प्रेम प्रकाश यादव जी ने जो बात वाजपेयी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बताए, मैं आप लोगों को वचन देता हूँ कि मैं वाजपेयी जी के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है इस पर गर्वित हूँ कि मैं इनके प्रतिनिधियों पर मैं इनका कार्यों को विस्तार रूप से आगे चलने का काम करूंगा और विशेष जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे जयपुर के नहीं कहा गया था कि यहाँ के मुस्लिम पर नहीं, वो वहां से जो बस खिंचवाए केवल मुस्लिम को, क्या था इस्लामिक कंट्री है आप वहां जाएंगे, वहां से सीख तक बहुत धर्म निरूप जो आए जो सताए हुए उनको हम लोग देंगे नागरिकता, आपका स्टेट कंट्री है पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ विरोधी लोग अफवाह उड़ाए, इससे कुछ होने जाना नहीं है। एक धर्म एक जाति के राजी नहीं, जहां पर जमात की राजी भाग्य का भाग्य रहता है। और अब मैं बनाना चाहता हूँ हम लोग कभी देना हो सबको बुलाना होगा, कभी पार्टी आगे बढ़ेगी, आपके जो पार्टी का सिद्धांत है उसमें धारा है। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भेदभाव नहीं करना, सभी को बुलाना है, सबको पार्टी के बैठक में आमंत्रित करना है, कोई भी कार्यक्रम हो तो आप सभी को बुलाना। और भारत रत्न आदरणीय स्वर्गीय अटल जी के बारे में क्या कहना है, बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं,
हमारे चंद्रभूषण पांडे जी, आदरणीय चंद्रशेखर भैया विस्तार रूप से बताने का काम। मैं इस अवसर पर ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इनके जन्म दिवस पर हम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है कि हम लोग जो समाज में जो कटुता फैला हुआ है, आपस में जो द्वेष फैला हुआ है उसको मिटाना है। जो आजकल जो पूरे देश में जो भ्रम की स्थिति पैदा किया गया है विरोधियों द्वारा, उसको पाटने का काम करना। अब लोग अफवाह उड़ा रहा है कि एनआरसी से लागू होगा तो सारे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो सबको देश से निकाल दिया जाएगा। अरे भाई पहले उसको पढ़ो तो। एनआरसी उसको लागू होता है जो विदेश से, तीन देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तीन देश से जो शरणार्थी आए हैं उन पर एनआरसी लागू होता है। भारत के किसी भी मुसलमान पर, किसी भी व्यक्ति पर कोई नियम लागू नहीं होता। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा कि देश के किसी व्यक्ति को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या होगा, आजकल लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहा कि आपको भी अपना प्रमाण पत्र देना होगा। ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए भ्रम को जो लोग फैला रहे हैं इसको आप लोग सब लोगों को समझाइए और देश का जो विकास का जो रास्ता चल रहा है उसमें हम लोगों को सबको किसी को शामिल होना है और जो आपस की जो कटता है उसको खत्म करना है। और आज के दिन हम लोग सबको मिलजुल कर जो संदेश हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का था उसको अपने जीवन में लागू करना है। मैं इतना ही करके अपना वक्तव्य। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच।